अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किस टाइप का, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ऑर्गेनिक में चार टाइप के रिएक्शन होते हैं, एडिशन जो कि इसमें हो नहीं सकता क्योंकि सैचुरेटेड, एलिमिनेशन बिल्कुल जिसमें होगा, सैचुरेटेड में एलिमिनेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो लेकिन हो सकता है, इसमें होता है। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की दो टाइप होती है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। अगर पॉजिटिव का अपने से ज़्यादा पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन अगर नेगेटिव का अपने से ज़्यादा नेगेटिव से तो न्यूक्लियोफिलिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन सा होगा, तो देखो अल्काइल हैलाइड के फार्मूले में दो चीज़ें आती हैं, एक कार्बन एक हैलोजन। तो कार्बन तो रिप्लेस नहीं होगा, रिप्लेस होगा तो क्या होगा, हैलोजन होगा, और हैलोजन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का रिप्लेस होना अपने से ज़्यादा नेगेटिव से न्यूक्लियोफिलिक, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एन फॉर नेगेटिव। मतलब कहने का देखो, अब ये OH नेगेटिव से रिप्लेस होता है तो क्या बन जाएगा, ROH, अल्कोहल बनेगा। अब OH नेगेटिव के जगह अगर ये H रिप्लेस कौन हो रहा है, हर बार X हो रहा है, ठीक है, इस X को हम कहते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो ROR बन रहा है, ROR क्या कहलाता है बच्चों, हमें अच्छी तरह पता है, ईथर। और ROH क्या कहलाता है, अल्कोहल। अच्छा अगर SH नेगेटिव से रिप्लेस होगा तो देखो अल्कोहल का फार्मूला है ROH, OH नेगेटिव से हुआ था, अब क्या बन जाएगा, RSH। अब एक बड़े काम की बात बताता हूँ, जब भी कंपाउंड का फार्मूला सेम हो और O की जगह ऐसा है, जब भी कंपाउंड का फार्मूला सेम हो और O की जगह ऐसा है, तो एक लफ्ज यूज होता है थायो, ये कहलाएगा थायो अल्कोहल। खाली अल्कोहल नहीं बल्कि थायो अल्कोहल, RSH। हाँ थायो अल्कोहल का एक नाम मरकप टन्स भी होता है, मरकर टन्स, पता नहीं बड़ा खतरनाक सा। CN नेगेटिव, हाँ जी, अगर हैलाइड CN नेगेटिव से रिप्लेस होगा RCN बनेगा, तो साइनाइड या नाइट्राइल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये NH2 नेगेटिव से होगा तो RNH2, जिसको हम अमाइंस कहते हैं। वर्ल्ड एयर, अगर ये RC00 नेगेटिव से होगा तो RC00R, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। अब देखो नेगेटिविटी की तरतीब क्या है, सबसे कम नेगेटिव है हैलाइड, हैलाइड से ज़्यादा नेगेटिव होता है OH, OH से ज़्यादा नेगेटिव OR, OR से ज़्यादा SH, SH से CN, CNS से NH2, फिर RC00। तो देखो X तो ये सबसे कम नेगेटिव है, ठीक है, सबसे कम नेगेटिव है। X को कौन रिप्लेस करेगा, सारे के सारे कर सकते, सारे के सारे कर सकते, हाँ जी। OH नेगेटिव ये सर X को रिप्लेस करेगा, और OH नेगेटिव को सारे के सारे रिप्लेस कर सकते हैं। SH OR नेगेटिव, हाँ जी, ये किन को रिप्लेस करेगा, X नेगेटिव और OH नेगेटिव को, और OR नेगेटिव को सारे के सारे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर एक होता है SH नेगेटिव, ये किस किस को रिप्लेस करेगा, हैलाइड नेगेटिव, OH नेगेटिव और OR नेगेटिव, इसको सारे के सारे कर सकते हैं। CN नेगेटिव, ये किस किस को रिप्लेस करेगा, X नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, SH नेगेटिव, इसको सारे के सारे कर सकते हैं। NH2 नेगेटिव, ये इन सबको रिप्लेस करेगा, इसको सिर्फ RCW नेगेटिव कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव RCW, ये सबको रिप्लेस कर सकता है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।